Firstly, welcome to our channel Famezo, and thank you so much for giving us your time today for this interview. Most welcome, Khushi. So, पहले शुरुआत ऐसी करना चाहेंगे कि हमने ये सुना तो है कि यू नो आप कोरियोग्राफर बनना चाहते थे, आपने क्लासिकल डांस में ट्रेनिंग ली है एंड आपका डांसिंग में इंटरेस्ट था, देन यू केम इनटू एक्टिंग. मैं डांस टीचर भी रही हूँ, ये आपने स्किप कर दिया. ओके सो वी वुड लाइक टू नो, मतलब हम जानना चाहते हैं कि मतलब आपकी ये एक्टिंग जर्नी में शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे आई इस इंडस्ट्री में एंड कहाँ से आपकी शुरुआत हुई. मैं काफी बार कह चुकी हूँ बट क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैं बता देती हूँ. बचपन से ही था कि डांस कोरियोग्राफर बनना है, डांस को लेके आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा भी था. बट क्या होता है कि जो चीज आपके हाथों के पास होता है आप उस तरफ चल पड़ते हो. तो मैं करीब कुछ 6 महीना मतलब 3 साल के आसपास थी, मम्मी ने डांस क्लास में डाला था. मैं बंगाली नहीं हूँ बट कोलकाता से हूँ, इस बात से बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि कोलकाता जो है बहुत ही कल्चरल जगह है और वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ मैंने देखा ही है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को किसी ना किसी चीज में वो लोग सिखाते हैं, भले वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं. तो मुझे भी वो नसीब मिला डांस सीखने का क्योंकि मम्मी को भी बहुत शौक था, तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो मौका मिला. तो मैं डांस को लेके फिर आगे बढ़ती गई एंड 13 ईयर के एज से मैं एज एन क्लासिकल डांस टीचर अपना करियर आगे बढ़ाने लगी. बट एक मैंने बंगाली टेलीफिल्म किया था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा था, मतलब कब आया कब गया पता नहीं, हफ्ते में वीकली एक बार आता था वो, कुछ 3 हफ्ते तक आया और मेरे पापा इतने खुश हो गए. एंड आई एम वन चाइल्ड, तो पापा अक्सर बोला करते थे बेटा टीवी में ट्राई कर. बेटा टीवी में ट्राई कर, हाँ ठीक है करूंगी. बट क्योंकि उस समय तक मेरे काफी सारे डांस क्लासेस हो गए थे और मतलब मुझे नहीं, मतलब हाँ ठीक है था, बट कुछ हालात ऐसे हो गया कि 2012 में पापा जी का देहांत हो गया हार्ट अटैक से. और पता नहीं, उनको मैंने लास्ट टाइम उनके बॉडी को टच करते हुए मैंने कमिटमेंट कर दिया कि आपका सपना मैं पूरा करूंगी. तो बस फिर किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गई, उसके बाद जो कुछ भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ. बस यही है, यही से शुरुआत हो गई. मतलब अभी भी मैं और मम्मी कभी बैठ कर सोचते हैं कि हम कैसे आए थे, कैसे क्या हुआ, पता नहीं. मैं आपका ऊपर से मतलब कुछ ब्लेसिंग है ना, दैट्स इट. बाकी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार. और जैसे हमने देखा कि आपने शुरुआत में सीआईडी में एपिसोड्स किए, तारक मेहता किया एंड फिर आया ये सबसे मेन शो, ये उन दिनों की बात है जहां से इतनी पहचान मिली है. तो पहचान मेरी लाइक यहाँ से ऐसे हो गई, उन दिनों की बात है. मेरे लाइफ में सिर्फ एक शो नहीं है, क्या बोलो, शो के बारे में जितना भी लफ्ज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी बहुत कम हो जाएगा. मैं पूरी लाइफ अपनी इंडस्ट्री में बिताना चाहती हूँ लेकिन ये उन दिनों की बात है, ये नंबर वन पे रहे, हटके रहेगा, उसके साथ मैं किसी और शो का कंपेयर कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं ऐसा. तो जैसे कि आपका जो कैरेक्टर था बेला चाची का, तो वो करने में क्या आपको कोई दिक्कतें आई या फिर आपसे हुआ, मतलब यू नो कोई ऐसा चैलेंज था वो करने में? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था. सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ पे कि मैं इंडस्ट्री में ना अपने पापा जी का सपना, सॉरी यहाँ थोड़ा मैसेज आ रहा है, मैं इंडस्ट्री में ना अपने पापा जी का सपना पूरा करने के लिए आई थी. मैं कोई ड्रीम लेकर के नहीं आई थी कि मैं यहाँ पे हीरोइन बनने जा रही हूँ. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे काम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कहीं से एक्टिंग कोर्स नहीं किया है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था. मैं बस आ गई थी पापा जी का सपना पूरा करने और मुझे कोई रातों रात स्टार बनने का ख्वाब भी नहीं था. तो मैंने बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर से स्टार्ट किए. बेसिकली यहाँ पे कोई मेरे पास नहीं था जो ये बताए कि तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए. तो कहते हैं ना लिटरली वो भागम दौड़ करके पैर में छाले वाला, ऐसे मेहनत करके हमें काम मिला है. तो जब उन दिनों की बात है, एक तो सचिन सुमित प्रोडक्शन, बहुत मन था इस प्रोडक्शन के साथ काम करने का क्योंकि मैंने दिया बाती में 6 मंथ का कैमियो किया हुआ है. तो जब बेला चाची का आया तो काफी सारे लोग थोड़ा सा माइंड डिवर्ट करने की कोशिश की, तुम अभी 27 की हो, तुम चाची का रोल करोगी. पर मैं इसके पहले क्राइम पेट्रोल में बहुत बार मॉम का कैरेक्टर कर चुकी हूँ, मुझे कोई भी कैरेक्टर से प्रॉब्लम नहीं है. आई जस्ट नीड, मुझे फुटेज चाहिए जिससे मैं अपनी एक्टिंग की क्वालिटी लोगों को दिखा पाऊं और अपने आप को प्रूव कर पाऊं, लोगों लोग ये सोच पाए कि हाँ ये बंदी अच्छा एक्टिंग करती है. तो बेसिकली मैं तो कभी हीरोइन बनने आई नहीं थी, फ्यूचर में
जाते हैं, मुझे बहुत सारे फैंस मैसेजेस करते हैं कि मैम आप लीड कर सकते हो, भाई मिलता थोड़े ना लीड कर सकते हो, मिले तो जरूर करूंगी बट ऐसा नहीं है, मतलब आई लव ऑल कैरेक्टर, मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दो, बस उसमें फुटेज होना चाहिए, उसमें कुछ कर दिखाने का वो बात होनी चाहिए उस कैरेक्टर में। तो लाइक बेला चाची ऐसा ही था, और उस समय मतलब एक 27 साल के एज में जहाँ पे मैंने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया है, वहां पे स्क्रीन पे मम्मी दिखना, और उन दिनों की बात है, एक ऐसा शो है, उस शो ने मुझे लगता है ए टू जेड सबकी लाइफस्टाइल चेंज की है, जितने भी लोग उस शो में इंक्लूड थे, भले वो एक मेड का कैरेक्टर हो, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी कैरेक्टर हो, तो वो मॉम दिखना, और मैं ना बहुत मतलब मैं एक्चुअली मेरे मम्मी से बहुत इंस्पायर हुई हूँ लाइफ में, अभी भी होती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जो पोलाइटनेस है फैमिली के लिए कुछ कर जाना, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली थी, अब खैर सब अलग अलग है, लेकिन वो मैंने देखा है ऐसे सिचुएशन होते हैं, और वो जो झाड़ू लगाने का जब सिस्टम होता था तो मैं देखती थी गांव में दादी ऐसे झाड़ू लगाती थी, बैट को बैठने का पोर्शन ऐसे होता था, फिर ताई जी से काफी सारी चीजें डिस्कस करती थी, मतलब मैं हर बार सीन होने के बाद ताई जी को पूछती थी, ताई जी मैंने अच्छा किया ना, अरे हाँ बाबा अच्छा किया, मैं आयशा से पूछती थी जो प्रीति है, क्योंकि वो बहुत बचपन से इंडस्ट्री में है और मुझे बहुत पसंद है वो, तो मुझे लगता है कि उसको उसको उसकी जो एक्टिंग की नॉलेज है बहुत अच्छा है, तो मैं उससे पूछती थी अच्छा अच्छा लगा क्या तुझे ये सीन, तो वो भी बोलती थी हाँ वैसे वैसे, तो मतलब ऐसे करते करते हुआ, और मैं खुद को चाची दिखाने के लिए सेट पे सबको बोलती थी मुझे चाची बुला, मतलब मुझे स्पॉट दादा से लेके ड्रेस दादा से लेके इवन मेरे को एक्टर तक मुझे चाची ही बोलते हैं, आज भी चाची ही बोलते हैं, मतलब वो बहुत हाँ, मतलब मुझे एक बार जो शांति टीचर बनी थी ऋषिना, ऋषिना ने मुझे पूछा तुम्हें कैसा लगता तो तुम इसी एज में सब तुमको चाची चाची बोलते हैं, मैंने बोला मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए ये चाहिए, मतलब मैं सेट पे आऊं और आई फील कि भाई मैं चाची हूँ, मेरी यही पहचान है, एंड बिलीव मी आज भी जब लोग मुझे एज ए बेला चाची बुलाते हैं या बेला चाची की कुछ भी वीडियोस बनाते हैं, फोटोज एडिट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं बुरा लगता चाची भाई, मुझे लगता है ये मेरी मेहनत है और मेरी पहचान अभी तक लोगों में बनी हुई है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो चैलेंजिंग तो बहुत था लोगों के दिल में जगह बनाने का, तो खैर कर पाई हूँ कहीं ना कहीं, आगे भी कोशिश करती रहूंगी, लेकिन हाँ काफी चैलेंजिंग था, पर मेरे को एक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, तो ओके हो गया सर। तो वैसे मतलब ऑलमोस्ट 2 साल होने गया है कि शो खत्म हो चुका है, पर अब भी शो को उतना ही प्यार मिलता है जैसे तब भी था, एंड अब भी अगर आप कोई भी सोशल मीडिया खोलो हर जगह पे आपको दिखेगा कि सब अभी भी उस शो को उतना याद करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि कास्ट में अभी भी उतने आप लोग सब टच में हो, और यू नो आप लोग मिलने का प्लान कर रहे हैं, या फिर कुछ जल्द कोई रियूनियन मिलने वाला है कुछ कास्ट का? देखिए मैं सही बात बताऊं तो क्या होता है ना कि जब एक शो करते हो तब एक फैमिली हो जाती है, जब आप वहां से अलग होते हो ना, हम फोन में टच पे होते हैं, रही बात मिलने की तो कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, और काफी लोग चेंज हो जाते हैं शो के बाद, वैसे नहीं रहते जैसे वो शो में थे, लेकिन ये सारी चीजें आप कहीं बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि अच्छा उसके बारे में बोल रहे हैं या उसके बारे में बोल रहे हैं, कई लोग जो उनके फैंस हैं वो कॉन्ट्रोवर्सी में आ जाएंगे, तो वो थोड़ा गलत लगता है। रही बात रीयूनियन की, तो मेरे बर्थडे में एक मौका था लेकिन काफी सारे लोग नहीं आ पाए, मतलब राशि, रणदीप, फिर सचिन जी, काफी सारे लोग नहीं आ पाए, तो वो मौका तो चला गया, बाकी मैं भी वेट कर रही हूँ कि कभी अगर ऐसा मौका मिले तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मैं फोन में टच पे हूँ, मेरे जो अग्रवाल फैमिली है उनसे तो मैं टच में ही हूँ, मतलब हम लोग अभी भी वैसे ही हैं जैसे अभी हैं, और ताई जी के साथ अभी भी घंटों घंटों बातें हो जाती है, आशी, आयशा, इन लोगों के साथ रोज बातें नहीं होती लेकिन जब होती है आधा घंटे से ऊपर ही बात होती है, और कुट्टू के साथ तो खैर वो तो मेरी सिस्टर जैसी है तो कभी भी कुछ कुछ भी होता ही रहता है, तो ऐसे हम टच में तो है। बाकी रीयूनियन का तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, अगर वो लोग कर रहे हैं तो प्लीज मुझे बुला ले, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए, बाकी मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, पर क्या होता है ना, मैंने वही कहा कि सब कहीं ना कहीं बिजी, मैं भी बिजी रहती हूँ तो इस चक्कर में नहीं हो पाता है, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे जो भी हमारे को एक्टर काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो लाइफ में हम एक शो से निकले, कोई आगे बढ़ रहा है, तो बहुत प्राउड फील होता है देख के, तो ये एक जरिया है मेरी फ्यूचर में कभी मिले, बाकी मैं अगर किसी से भी मिलती हूँ तो वो तो मैं खुद ही अपडेट कर देती हूँ, पिक्चर वगैरह शेयर कर देती हूँ, तो मैं खुली किताब हूँ, कुछ छुपा हुआ नहीं है।
हाय एवरीवन, मैं हूं आप लोगों की प्यारी मधुश्री और आप लोग मुझे देख रहे हैं फमेजो में। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करिए, और हाँ कमेंट तो जरूर करिए, बताइए कि मेरे साथ बातचीत खुशी का कैसा लगा आप लोगों को, और शेयर भी करिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंच पाऊं। और बहुत सारा प्यार दीजिए, लव यू ऑल।